हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो 10th क्लास का सिलेबस था, सेकंड चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, उसका नेक्स्ट टॉपिक है सेल साइकिल। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाउ द टॉपिक इज सेल साइकिल। सेल साइकिल मतलब जिसमें डिवाइड, ग्रो और रीडिवाइड का जो ये तीन फंडे हैं, ये रिपीट होते रहते हैं। In order for a cell to divide, it must complete several important tasks. जो important tasks जो हैं, जो cell को complete करने होते हैं divide होने से पहले, वो क्या क्या हैं? The cell must grow, synthesize materials like proteins, RNA, etc. and duplicate said DNA. मतलब अगर इस सेल को क्या होना है, डिवाइड होना है आगे दो सेल्स में या चार सेल में, जितने भी सेल्स में डिवाइड होना है, तो इस पर्टिकुलर सेल को सबसे पहले बड़ा होना पड़ेगा, साइज में ग्रो, और इसके अंदर जितने भी मटेरियल है, आरएनए हैं, प्रोटीन्स हैं, डीएनए हैं, वो डबल होना पड़ेगा, ताकि वो जो है, जो नेक्स्ट सेल्स बनेंगे उनमें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ओके, नाउ These tasks are performed in a series of events called cell cycle. तो ये जो टास्क हमने पढ़े, ये सारे टास्क एक सीरीज में होते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स में होते हैं, मतलब एक के बाद एक, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल। नाउ द सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन अ सेल लीडिंग टू डुप्लीकेशन ऑफ इट्स डीएनए। ठीक है, ये क्या है? सीरीज ऑफ इवेंट्स है, बस यहीं से सारा कंपाइल करके ये वाली डेफिनेशन जो है ये बनी है। द सेल साइकिल, ये है सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन अ सेल, हमेशा कहाँ होगी? सेल में होगी। लीडिंग टू डुप्लीकेशन ऑफ इट्स डीएनए, हमने यहाँ पढ़ा कि डीएनए जो है वो डुप्लीकेट होता है, एंड सब्सिक्वेंट डिवीजन ऑफ सेल टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स। जैसे मैंने बताया कि एक सेल ग्रो करके दो डॉटर सेल्स बनाए। अब जो सेल साइकिल है उसमें टू फेजेस होते हैं, फर्स्ट इज द इंटरफेज एंड नेक्स्ट इज द एम फेज, जिसे हम माइटोसिस भी कहते हैं। इंटरफेज जो है वो एक नॉन डिवाइडिंग फेज है, विच कंप्राइजेज ऑफ थ्री अनदर फेजेस, दैट इज G1, S एंड G2। ये हम सब अभी डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप बस ऐसे ओवरव्यू लीजिए। नाउ माइटोसिस, माइटोसिस इज द डिवाइडिंग फेज विच कंसिस्ट ऑफ पी मैट, यू कैन लर्न दिस इन दिस वे, दैट इज पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, विच विल स्टडी इन डिटेल लेटर। ठीक है, अब हम आते हैं इंटरफेज में। इंटरफेज इज ऑल्सो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरफेज को हम क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज द रेस्टिंग फेज। नाउ ड्यूरिंग दिस फेज द सेल प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सेल डिविजन। इसको हम रेस्टिंग फेज इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस फेज में ही जो सेल है वो प्रिपेयर करता है खुद को कि वो अगले जो सेल डिवीजन है वो हो सके, तो उसके लिए वो खुद को प्रिपेयर करता है। एंड ग्रो टू सेम साइज एज द मदर सेल, और जैसे उसकी मदर सेल का जो सेल है, मदर सेल है जो उसका प्रीवियस मदर सेल होता है, उसी के जैसे वो ग्रो करता है, मतलब वो एनलार्ज हो जाता है साइज में। नाउ नो चेंज इन क्रोमोसोम इज विजिबल एक्सटर्नली ड्यूरिंग इंटरफेज। दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नो चेंज इन क्रोमोसोम्स इज विजिबल एक्सटर्नली, कि अगर हम नोटिस करें बाहर से एक्सटर्नली, तो जो क्रोमोसोम्स में कोई मतलब विजिबल चेंज नहीं दिखाई देता, ठीक है, इंटरफेज के टाइम, बट एंड देयरफॉर इट इज नोन एज रेस्टिंग फेज ऑफ द सेल। इसलिए इसको हम रेस्टिंग फेज तो कहते हैं, बट इन रियलिटी, बट रियलिटी में क्या होता है, इट इज़ नॉट ट्रू एज द सेल इज़ क्वाइट एक्टिव। हम इसे भले ही नॉन डिवाइडिंग फेज कहते हों या रेस्टिंग फेज कहते हों, बट इट इज़ क्वाइट एक्टिव, मतलब जो इंटरफेज है वो बहुत ही एक्टिव प्रोसेस होती है इन सिंथेसाइजिंग मोर डीएनए, क्योंकि इस टाइम जो है वो डीएनए है, जो डीएनए है, डीएनए की क्या होती है, डुप्लीकेशन होती है, डीएनए की क्या होती है, डुप्लीकेशन होती है, तो इस वजह से जो इंटरफेज है दैट इज़ मोस्ट क्वाइट एक्टिव प्रोसेस। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि इंटरफेज के G1, S एंड G2 फेज होते हैं, तो G1 जो है दैट इज़ द फर्स्ट ग्रोथ फेज, S इज़ द सिंथेसिस फेज, G2 मींस सेकंड ग्रोथ फेज। अब जो G1 है ये भी इंपॉर्टेंट है, सेल साइकिल ज़रूर क्वेश्चन में आती है, और इसका इंटरफेज पार्ट जो है वो ज़रूर आता है। सो G1 में क्या है, RNA एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज।
अब इन सब में क्या होगा, हमने पढ़ा कि इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, सेल साइकिल इज जो इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो इस इन स्टेजेस में जो है कहीं डीएनए डुप्लीकेट होगा, कहीं आरएनए होगा, कहीं दोनों जगह होंगे और कहीं प्रोटीन्स होंगे। तो जो ग्रोथ है इसमें आरएनए और प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज, ठीक है, उनकी सिंथेसिस होती है। जो साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डिवाइड, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं सेल के अंदर वो भी डिवाइड करते हैं। अब वो डिवाइड क्यों करते हैं हमें पता है, बिकॉज ऑफ देयर ओन डीएनए, क्योंकि उनके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। अब देखिए लेट जीवन फेज, अर्ली जीवन फेज में तो हमने पढ़ लिया, बट जब लेट जीवन फेज आता है तो ऑल द सेल फॉलो एनी ऑफ द टू पाथ। तो जो सेल्स हैं वो इन दोनों पाथ में से एक पाथ फॉलो करेगा। अब वो दो पाथ क्या हैं, फर्स्ट इज दे मे आइदर विदड्रॉ फ्रॉम द सेल साइकिल। वो सेल जो है वो सेल साइकिल से विड्रॉ हो सकता है, मतलब बाहर निकल के वो रेस्टिंग फेज में जाएगा, ओके, या फिर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीजन बाय एंटरिंग द न्यू सिंथेसिस फेज, या फिर वो सेल जो है वो नेक्स्ट फेज में जाएगा, दैट इज नोन एज द एस फेज। ओके नाउ एस फेज पर चलते हैं। एस फेज पे क्या है, एस स्टैंड फॉर सिंथेसिस। तो इसमें जो है मोर डीएनए सिंथेसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए सिंथेसाइज होता है और जो क्रोमोसोम्स हैं वो डुप्लीकेट होते हैं अपने नंबर में, ओके। और जी टू फेज में क्या होता है, जी टू फेज जो है ये बहुत शॉर्ट ग्रोथ फेज है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन कि जो जी टू है वो शॉर्ट ग्रोथ फेज होता है, ओके, नॉट लॉन्गर। नाउ जी टू फेज में क्या होता है, इसमें मोर डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज, इसमें और ज़्यादा आरएनए और प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। नाउ द सेल इज रेडी टू अंडरगो द सेल डिवीजन एंड एंटर द डिवाइडिंग फेज ऑफ द सेल साइकिल। अब ये सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स उस सेल ने कर लिए, तो सेल जो है एकदम रेडी है सेल डिवीजन करने के लिए एंड एंटर द डिवाइडिंग फेज ऑफ द सेल साइकिल। अब वो डिवाइडिंग फेज पे जा सकता है। आफ्टर डिवाइडिंग फेज गेट्स कम्प्लीटेड, जब डिवाइडिंग फेज भी कम्प्लीट हो जाती है द न्यूली फॉर्म डॉटर सेल एंटर इन टू इंटरफेस अगेन। तो जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो फिर से इंटरफेस स्टेज में आ जाते हैं और वैसे ही जो साइकिल है दैट गोज ऑन रिपीटिंग। ये है सेल साइकिल का डायग्राम। देखिए फर्स्ट स्टेज आप जरा यहाँ से स्टार्ट कीजिए, दिस इज माइटोसिस डिवाइडिंग फेज, पी मैट, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। टीलोफेस के पास आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस आपको पता है जहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है उसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और एक और वर्ड होता है दैट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, कैरियो स्टैंड फॉर न्यूक्लियस। तो जहाँ पे न्यूक्लियस की डिवीजन होगी उसे हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस, बट यहाँ पे साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस के बाद और कैरियोकाइनेसिस के बाद दो सेल्स बनते हैं, ठीक है। अब दो सेल जब बनते हैं ये सेल भी सेम सेल साइकिल रिपीट करेगा, बट हमने यहाँ पर एक ही सेल साइकिल बताई है, एक ही सेल की सेल साइकिल बताई है। तो फर्स्ट ये सेल कहाँ जाएगा, जीवन फेस में जाएगा। फिर जो हमने जीवन फेस में क्या क्या होता है जो हमने पढ़ा वो सब होगा यहाँ पर। अब जीवन फेस के बाद जो है इट मे अंडरगो ओनली टू पास, फर्स्ट इज रेस्टिंग फेस, या फिर ये सेल निकल कर रेस्ट करने चला जाएगा, रेस्टिंग फेस में चला जाएगा, या फिर वो सिंथेसिस फेज या एस फेज में जाके अपनी एंट्री करेगा। जब वो एस फेज में हो गया तो एस फेज में ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए सिंथेसाइज होगा, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होंगे जैसे हमने ऊपर पढ़ा। अब इसके बाद वो जी टू में जाएगा, ओके। तो जी टू में जाने के बाद जो है वो सेल रेडी हो गया है डिवाइडिंग फेज में एंटर करने के लिए। फिर वो डिवाइडिंग फेज में एंटर करेगा, एंटर करने के बाद फिर से वो दो सेल्स बनाएंगे एंड द साइकिल गोज ऑन रिपीटिंग। अब ये देखने को तो बहुत सिंपल साइकिल लगती है, बट इसमें मेजर मिस्टेक क्या करके आते हैं बच्चे वो देखिए। आप हमेशा याद रखिए कि इस साइकिल को आपने जब भी बनाना हो आपने क्या करना है, साइटोकाइनेसिस से ज़रूर लिखना है, यहाँ पे दो सेल ज़रूर बनाने हैं, और एक बात का जो मेन ध्यान रखना है दैट इज़ कि आपको जी टू फेज जो है वो शॉर्ट बनाना है, मतलब वो दिखना चाहिए कि वो शॉर्ट है। देखिए जीवन फेस मैंने काफ़ी बड़ा बनाया है, एस फेस थोड़ा इंटरमीडिएट है, बट जी टू फेस एज़ कम्पेयर टू द जीवन फेस इज़ क्वाइट शॉर्टर। तो
जिससे हमने ऊपर पढ़ा कि जो G2 है दैट इज शॉर्टर, ओके हमने पढ़ा कि दैट इज शॉर्टर ग्रोथ फेज, तो इसलिए इसको यहाँ भी दिखना चाहिए कि जो G2 है वो शॉर्ट है एज कंपेरिजन टू द अदर फेजेस, ओके सो दिस इज योर सेल साइकिल। नेक्स्ट आपकी बुक में एक टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ न्यू DNA, कि प्रीवियस DNA से नया DNA कैसे बनता है। अब देखिए, ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द इंटरफेज, जो सिंथेसिस फेज है इंटरफेज की, ईच DNA मॉलिक्यूल या क्रोमोसोम्स, हमने पढ़ा था कि एस फेज में क्रोमोसोम क्या होते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं इन रेडीनेस फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इन टू द डॉटर सेल्स ड्यूरिंग द माइटोसिस, की जो डॉटर सेल्स बने उसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाएं। नाउ रेप्लिकेशन तो वैसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट आपके सिलेबस में ये बहुत इजी वे में बताई है ताकि आपको ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो समझने में, ओके इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं बट आपकी बुक में इतना डिटेल में नहीं है, तो जो पर्टिकुलर आपकी बुक में दिया है मैं उसी में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, ओके नाउ द DNA डबल हेलिक्स ओपन एट वन एंड, ठीक है जो DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जैसे ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है इट ओपन्स एट वन एंड, ये एक एंड में जो है वो खुल जाता है एक एंड से, मेकिंग द टू स्ट्रैंड्स फ्री टू विच न्यू स्ट्रैंड्स बिगिन टू फॉर्म एंड द प्रोसेस कॉन्टिन्यूज इन अ सीक्वेंस फॉर द होल लेंथ ऑफ द DNA। इसका सिंपल मतलब यही है, देखें ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये ओपन अप हो जाता है, इसके दो स्ट्रैंड्स ओपन अप होने के बाद क्या होता है, जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो फ्री हो जाते हैं और उन दो स्ट्रैंड्स के ऊपर जो है वो नए स्ट्रैंड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एज यू कैन सी ये हमारे पुराने स्ट्रैंड थे, दिस वन द ओल्ड स्ट्रैंड, अब इसी के ऊपर जब ये फ्री हो गए आपस में, अब नहीं ऐसे हेलिकली कॉइल्ड हैं, तो इसके आसपास न्यू DNA स्ट्रैंड जो है वो बनना स्टार्ट हो चुका और ये कंटिन्यू करेगा जब तक ये पूरा एंड तक ना हो जाए। तो लेटर ऑन क्या बनेगा, ईच न्यू DNA कंटेन्स वन ओरिजिनल एंड वन न्यू स्ट्रैंड, ओके तो हर DNA में क्या होगा, हर न्यू DNA में एक ओरिजिनल मतलब एक ओल्ड स्ट्रैंड होगा, ठीक है जो इसका ओरिजिनल स्ट्रैंड है, और एक न्यू स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होकर आया है। तो आप ये डायग्राम ज़रूर बनाइए, ओके नाउ नेक्स्ट इज आर एक टॉपिक है दैट इज कैन द सेल साइकिल गो ऑन एंडलेसली, कि क्या सेल साइकिल बस होती जाती है मतलब उसमें कोई फुल स्टॉप नहीं होता, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, द आंसर इज नो, ठीक है एट सम प्लेसेस इट स्टॉप्स परमानेंटली, ठीक है तो कई बार क्या होता है जो हमारे सेल साइकिल है वो परमानेंटली स्टॉप हो जाती है एट सम प्लेसेस, ओके टेम्प्ररली एंड एट अदर स्टिल इफ इट इज नीडेड, कि बहुत सारे केसेस में वो परमानेंटली स्टॉप हो जाती है, किसी में टेम्प्ररली स्टॉप हो जाती है और किसी में तब तक स्टॉप नहीं होती जब तक उसकी ज़रूरत है, वंस द नीड इज़ फुलफिल्ड तो वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है तो आपको एग्जांपल्स भी आई थिंक याद होंगे, फर्स्ट इज ब्रेन एंड अदर नर्व सेल्स वंस फॉर्म्ड, जो ब्रेन और नर्व सेल्स हैं वो एक बार जब बन जाते हैं तो ना वो डिवाइड होते हैं और अगर वो एक बार मर गए तो वो रिप्लेस भी नहीं होते, ठीक है लीवर सेल जो हैं दे रिप्लेस्ड एवरी 1 to 2 ईयर्स, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब आप बस ऐसे गो थ्रू कर लीजिए एक बार आराम से, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नाउ सरफेस स्किन सेल्स आर कॉन्टिन्यूसली लॉस्ट एंड रिप्लेस्ड बाय द अंडरलाइंग सेल्स, ये तो हमें पता है कि जो एपिडर्मिस है वो उसमें कोई कट लग जाता है, स्क्रैच लग जाता है, मतलब उसके जो सेल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली रिपेयर होते रहते हैं या रिप्लेस होते रहते हैं, सो सेल साइकिल डज नॉट गो ऑन एंडलेसली, ओके अगर अनकंट्रोल्ड और नॉन स्टॉप सेल साइकिल जो है वो होती रहेगी तो इट विल लीड टू ट्यूमर फॉर्मेशन दैट मे और मे नॉट बी कैंसरस, तो वो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा उसका ट्यूमर बन जाएगा, वो कैंसरस भी हो सकता है एंड इट मे नॉट ऑल्सो भी कैंसरस। सो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है सेल डिविजन, सेल डिवीजन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल, मान लीजिए ये एक पेरेंट सेल है, तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड करता है टू फॉर्म द डॉटर सेल्स, ठीक है अब सेल डिवीजन कैन बी ऑफ टू टाइप्स दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस, इसमें डिफरेंस आप मतलब 100% लिख याद करके चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। नाउ माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस है कि माइटोसिस जो है
वो एक इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है। ये जो इक्वेशनल डिवीजन, ये जो टर्म है, ये आगे मैं आपको समझाऊंगी। और मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। माइटोसिस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ द सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड इंटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ये याद रखिए कि माइटोसिस में हमेशा क्या होते हैं, दो डॉटर सेल्स बनती हैं, ठीक है। तो इट इज़ द सेल डिवीजन इन विच, वही है बस, इसी की डेफिनेशन में क्या है, टू और मोर डॉटर सेल्स लिखे हैं, माइटोसिस के केस में सिर्फ टू बनते हैं। तो इट इज़ द सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड इंटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। वेयर इज इन केस ऑफ मियोसिस में क्या होता है, इट इज़ द सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इंटू फोर नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। तो इस केस में जो है, दो की जगह क्या बनेंगे, चार डॉटर सेल्स बनेंगे। नाउ सेल डिवीजन लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड सेल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इस केस में क्या होता है, माइटोसिस में सेल डिवीजन हुए, तो सेल डिवीजन होने के बाद डिप्लॉयड सेल्स बनेंगे। अगर पेरेंट भी डिप्लॉयड हैं तो डिप्लॉयड ही टू एन रहेंगे, ठीक है। तो डिप्लॉयड सेल्स बनेंगे फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसीलिए इसको हम इक्वेशनल कहते हैं, मतलब इक्वल जो है, अगर ये डिप्लॉयड हैं तो आगे भी जो इसके डॉटर सेल्स बनेंगे वो भी डिप्लॉयड होंगे। अगर पेरेंट सेल हैप्लॉयड है तो हैप्लॉयड ही बनेंगे। तो इट इज़ इक्वेशनल डिवीजन, किसमें कोई रिड्यूस नहीं हो रहा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर ये डिप्लॉयड है तो डॉटर भी डिप्लॉयड होंगे, ओके, डॉटर सेल्स भी डिप्लॉयड होंगे। नाउ इस केस में क्या होता है, डॉटर सेल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड सेल्स और गैमेट्स जिन्हें हम कहते हैं। तो इसमें जब वो चार बनेंगी तो सेल डिवीजन में क्या होता है, इसमें अगर पेरेंट सेल जो है वो डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड के बाद ये देखिए ऐसे करके चार सेल्स बनेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मियोसिस भी दो तरह की होती है, ठीक है। फर्स्ट इज मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। तो जो मियोसिस वन है वो बेसिकली रिडक्शनल होती है, उसे हम रिडक्शनल कहते हैं। और जो मियोसिस टू होती हैं वो माइटोसिस ही होती है एक तरह की, ठीक है। तो देखिए अगर ये पेरेंट सेल है, ठीक है, पेरेंट सेल है, डिप्लॉयड है, टू एन नंबर है इसका, अब क्या होगा, फर्स्ट मियोसिस वन होगी। मियोसिस वन क्योंकि रिडक्शनल मैंने बताई, तो टू एन से क्या हो जाएंगे, दोनों सेल्स एन एन हो जाएंगे, एन यहाँ गया, एन यहाँ गया। अब आगे जब और ये डिवाइड करेंगे तो इसमें होंगे मियोसिस टू। मियोसिस टू होने के बाद चार सेल्स बने, वन टू थ्री फोर। अब इसमें इक्वल जाएंगे, अगर ये एन है तो ये भी एन जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारे पास, फिर से इक्वेशनल, क्योंकि यहाँ भी क्या हो रहा था, टू एन था, टू एन से टू एन जा रहा था। बट यहाँ पे एक बार रिडक्शनल होने के बाद फिर माइटोसिस ही रिपीट होती है, बट उसको हम नाम कहते हैं मियोसिस टू। नाउ इट अकर्स इन द सोमेटिक सेल्स इन बॉडी सेल्स। ये इंपॉर्टेंट है कि जो माइटोसिस है वो बॉडी सेल्स में होती है, एंड इट अकर्स इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स, जहाँ पे हमारे पास गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। इट इज़ कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन एज सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज मेंटेन्ड एट ईच सेल डिवीजन, की हर बार जब सेल डिवाइड करेगा तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो पास ऑन होते जाएंगे। ये देखिए पेरेंट से दो बने तो इक्वल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स हैं वो मेंटेन रह रहे हैं हर स्टेप में। एंड इन दिस केस इट इज़ कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, इसे रिडक्शनल कहते हैं, एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स हाफ। देखिए ये पेरेंट है, फर्स्ट हुई रिडक्शनल डिवीजन, दैट इज मियोसिस वन, देन अगेन डिवाइड हुए सेल्स तो मियोसिस टू, विच इज़ नथिंग बट माइटोसिस, सेम एज माइटोसिस। माइटोसिस इज कम्प्लीटेड इंटू टू स्टेप्स, फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। जैसे मैंने आपको बताया था, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का जो डिवीजन है वो, एंड साइटो मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। वेयर एज इन केस ऑफ मियोसिस इट इज डिवाइडेड इंटू मियोसिस वन एंड मियोसिस टू, मियोसिस वन इज द रिडक्शनल फेज एंड मियोसिस टू इज सेम एज दैट ऑफ द माइटोसिस, दैट इज इक्वेशनल। एक कैरियोकाइनेसिस में ही वो पीमेट वाली स्टेजेस आती हैं, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज एंड टीलोफेज। ये हैं कैरियोकाइनेसिस। अब इसके बाद जो फॉलो होगा दैट इज साइटोकाइनेसिस। अब मैं आपको पूरा माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस दिखा रही हूँ, ताकि आप वीडियो को पॉज कर सकें और इसे नोट डाउन कर सकें या अच्छे से समझ सकें। सो यू मे पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। अब मैं आपको कैरियोकाइनेसिस के जो पार्ट्स हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज एंड टेलोफेज, वो अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी।
और मैं बुक से इसलिए पढ़ा रही हूँ, अगर आप साइड बाय साइड अपनी बुक खोलो तो आपको जो है वो यहाँ से हर एक चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, अब स्टार्टिंग विद द इंटरफेस। इंटरफेस इज़ नोन एज द रेस्टिंग फेस। अब हमें पता है इंटरफेस में क्या होता है, नो विजिबल चेंज इन द क्रोमोसोम्स, कि क्रोमोसोम्स में अगर हम एक्सटर्नली देखें तो हमें कोई विजिबल चेंज नहीं दिखाई देता उसमें, बट एक्टिव सिंथेसिस ऑफ द डीएनए, बट डीएनए जो है बहुत एक्टिवली सिंथेसाइज होता है। ऑल दो इसका नाम रेस्टिंग फेज है बट इसमें डीएनए सिंथेसिस होती है, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाइट एक्टिव प्रोसेस वी कैन से। अब देखिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल में साइड बाय साइड हम पढ़ेंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का जो डिफरेंस है, जो मेजर इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ाया है, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फर्स्ट इज़ द एनिमल सेल। एनिमल सेल यू कैन सी सेंट्रोसोम्स कंटेनिंग सेंट्रोल्स, सेंट्रोल्स हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये कंडेंस्ड मटेरियल है, ठीक है, न्यूक्लियोलस है। अब क्रोमेटिन फाइबर्स, इट इज़ द डी कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम की ही एक डी कंडेंस्ड फॉर्म है, दैट इज़ क्रोमेटिन फाइबर्स। ओके, अब आप आगे देखेंगे कि यही क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाएगी। यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म। अब हमें पता है प्लांट सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, और इस ये भी क्या है, दिस इज़ ऑल्सो द सेल मेम्ब्रेन। ओके, बट प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, सेलुलोज की जो बनी होती है ना, इसमें भी क्रोमेटिन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। ओके, सेम। नाउ इंटरफेज हो गया हमारा रेस्टिंग फेज, नाउ इज़ द प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज में आप देखिए, सेंट्रोल्स स्टार्ट मूविंग अपार्ट एंड रीच अपोजिट साइड्स। अब क्या है, जो सेंट्रोल्स हमने ऊपर पढ़े, सेंट्रोल्स दो सेंट्रोल्स होते हैं, तो एनिमल सेल में जो सेंट्रोल्स हैं वो दोनों दूर दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं, एक दोनों जो हैं वो अपोजिट पोज में आना स्टार्ट कर देंगे, एक यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा। तो सेंट्रोल्स स्टार्ट मूविंग अपार्ट एंड रीच द अपोजिट पोल्स, तो दोनों अपोजिट पोल्स पर आके चले पहुँच जाएंगे। नाउ द क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं। देखिए, आप बहुत इजीली देख सकते हैं क्रोमोसोम्स को। नाउ क्रोमोसोम्स आर ऑलरेडी डुप्लीकेटेड एज पेयर क्रोमेटिड्स। अब क्रोमोसोम्स हमें दिखाई दे रहे हैं ऐसे हैं, तो क्रोमोसोम्स कैसे डुप्लीकेट हो चुके हैं, एज अ पेयर्ड क्रोमेटिड्स। ये क्या है, इसके क्रोमेटिड्स हैं, तो ये एज अ पेयर्ड क्रोमेटिड्स जो हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं। सिस्टर क्रोमेटिड अटैच टू ईच अदर एज अ स्मॉल रीजन कॉल्ड सेंट्रोमियर। मैंने आपको पढ़ाया था, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये है सेंट्रोमियर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स अपीयर बिटवीन डॉटर सेंट्रियोल्स फॉर्मिंग द एक्रोमेटिक स्पिंडल। नाउ स्पिंडल फाइबर जो हैं वो डॉटर सेंट्रियोल्स के आसपास से बनना स्टार्ट करती हैं। देखिए, ये जो एस्टर रेज हैं, इन स्पिंडल फाइबर जो हैं ये यहीं से ऑरिजिनेट होती है बनना। ठीक है, एंड डॉटर सेंट्रियोल्स। ओके, नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपियर। अब जो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही थी वो जो है वो डिसअपियर होना, या मतलब नहीं दिखाई देती अब हमें। ठीक है, अब देखिए, दिस इज़ द अर्ली प्रोफेज एंड दिस इज़ द लेट प्रोफेज। ये भी आता है कि अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज में क्या डिफरेंस है, तो अर्ली प्रोफेज में क्या है, सेंट्रोल्स स्टार्ट मूविंग अपार्ट, दोनों अपोजिट पोल्स में आना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के साथ ये क्रोमोसोम है विद द सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड वन सेंट्रोमियर। प्लांट सेल में भी देखिए साइड बाय साइड। नाउ प्लांट सेल में सेंट्रोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते, बट इसमें स्पिंडल फाइबर्स भी बनती है। ठीक है, एज यू कैन सी। अब देखिए, लेट प्रोफेज में एक ही मेजर डिफरेंस है कि एक तो स्पिंडल फाइबर्स बनना स्टार्ट होती हैं और दूसरा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, एज यू कैन सी, दोनों में स्पिंडल फाइबर्स बन चुकी हैं क्रोमोसोम्स। अब देखिए, स्पिंडल फाइबर्स के साथ जो है वो क्रोमोसोम्स कैसे अटैच्ड होते हैं, इन दिस वे। सेंट्रोमियर से ही स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच्ड होता है एक क्रोमोसोम। ओके, सो दिस वॉज योर प्रोफेज। नेक्स्ट इज योर मेटाफेज। मेटाफेज बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, व्हाट इज मेटाफेज। मेटाफेज इसलिए भी पूछा जाता है क्योंकि बहुत इजीली ड्रॉ हो जाता है और इसमें बहुत मतलब थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है, इसीलिए। ईच क्रोमोसोम गेट अटैच टू द स्पिंडल बाय इट्स सेंट्रोमियर। जैसे मैंने आपको बताया कि हर स्पिंडल फाइबर में जो क्रोमोसोम है वो कैसे अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रोमियर।
क्रोमोसोम्स लाइन अप इन वन प्लेन एट इक्वेटर, जो क्रोमोसोम हैं वो एक ही प्लेन में ऐसे सीधी लाइन में जो हैं वो अरेंज हो जाते हैं। एज यू कैन सी स्पिंडल फाइबर्स हैं तो ऐसे अरेंज हो गए, ठीक है, ये देखिए। ओके, नाउ एनाफेज। एनाफेज भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्रोमेटिड्स अलग होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, पहले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज एनाफेज, सेंट्रोमियर अटैचिंग द टू क्रोमेटिड्स स्प्लिट्स या डिवाइड्स। ओके, तो अगर ये एक क्रोमोसोम है तो इस क्रोमोसोम की जो दो क्रोमेटिड्स हैं वो दोनों दूर दूर जाना स्टार्ट कर देती हैं। क्यों? क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स उनको अपोजिट साइड्स को खींचते हैं। द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड आर ड्रोन अपार्ट टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स पुल्ड बाय द शॉर्टनिंग ऑफ द स्पिंडल फाइबर। ओके, तो स्पिंडल फाइबर जब उन्हें शॉर्टन होगी, जब स्पिंडल फाइबर इन्हें स्ट्रेच करेंगी, तो जब हम किसी चीज़ को स्ट्रेच करेंगे तो जहाँ से वो अटैच्ड है वहाँ से वो दूर होना स्टार्ट होगी। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे क्रोमोसोम थे। अब ऐसे क्रोमोसोम होने की वजह से क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे अटैच्ड है सेंट्रोमियर, अब स्पिंडल फाइबर्स क्या करेगी, इनको पुल करेगी कि एक इधर जाए और एक इधर जाए। तो ये क्रोमेटिड जो हैं ये ऐसे आएंगी, और इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं कि ये गलत बना के आते हैं। वो क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम्स मतलब यहाँ भी क्रोमोसोम बना देंगे यहाँ भी, जबकि आपको क्या बनाना है, क्रोमेटिड बनानी है। ये जो आपको एक ऐसे और ऐसे करके आपको दिखाई दे रहा है, ये दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ सिंगल क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोसोम। तो आप इसमें गलती मत कीजिए। ओके, सो आगे से आप यही बना के आइए, दैट इज़ क्रोमेटिड स्प्लिट हो रही हैं। अ फरो स्टार्ट्स इन द सेल मेम्ब्रेन एट द मिडल ऑफ द एनिमल सेल। अब अर्ली फेज में, अर्ली एनाफेज में क्या होता है, बस यही है कि क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट होती हैं बाय द शॉर्टनिंग ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स। प्लांट सेल में भी सेम है। अब देखिए लेट एनाफेज में जो फरो है साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म में स्टार्ट हो जाता है, मतलब सेल में फरो इन द साइटोप्लाज्म इज सीन। अब देखिए, अब आपको फरो दिखाई देगा। अब फरो क्यों बनता है, क्योंकि ये ऐसे ही इंक्रीज होता जाएगा और इससे ही दो सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो आप ये प्लांट सेल में भी देख सकते हैं जो क्रोमेटिड्स हैं वो दूर दूर जाना स्टार्ट हो चुकी हैं। टीलोफेज, ठीक है, टीलोफेज में क्या है, टू सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स रीच अपोजिट साइड्स। अब दो सेट ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो दोनों अपोजिट पोल्स में पहुंच जाते हैं, स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो जाती है क्योंकि उसका फंक्शन ख़त्म हो गया है। अब क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स ख़त्म हो गई, जैसे ही स्पिंडल फाइबर्स हमने पढ़ा था कि पीछे आई, तो न्यूक्लियस और जो न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो डिसअपीयर हो गई थी। बट अब स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर हो रही हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियस है वो वापस दिखाई देंगे। क्रोमेटिन थिन आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि जो क्रोमेटिन फाइबर्स ही क्या हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, जो डीकंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमोसोम के। अब क्रोमोसोम डीकंडेंस होकर फिर से क्रोमेटिन फाइबर्स बनाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है, न्यूक्लियस भी फॉर्म हो जाता है। द क्लीविज फरो स्टार्ट्स डीपनिंग इन द सेल साइकिल। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि जो फरो है वो डीपन होता है टीलोफेज में, बट इट गेट्स स्टार्टेड इन द फेज दैट इज एनाफेज, ठीक है। और एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो टीलोफेज है वो कैसे डिफर करता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखिए, इसमें तो फरो बनता है एनिमल सेल में, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल के केस में एक सेल प्लेट बनती है। अ सेल प्लेट इज लेड डाउन इन द साइटोप्लाज्म एट द इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये क्या है, एक सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है और इसमें फरो की फॉर्मेशन होती है। अब साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे मैंने आपको सेल साइकिल में पढ़ाया था कि पीमैट के बाद साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस के बाद दो डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ माइटोसिस। अब जब दो डॉटर सेल्स बने तो ये फरो जब डीपन होता जाएगा, डीपन होने के बाद ये ऐसे इधर से स्प्लिट हो जाएगा तो दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे, ठीक है, विद वन सेंट्रोल विद ईच। ओके, और न्यूक्लियस जो है वो दोनों में आ जाएगा। क्लीवेज फरो डीपन्स टोटली इन द एनिमल सेल एंड सेपरेट्स इनटू द टू डॉटर सेल्स। अब देखिए, इसमें भी सेल प्लेट की फॉर्मेशन हुई। सेल प्लेट की फॉर्मेशन होने के बाद वो सेल प्लेट, ये ज़रूर याद रखिए कि जो सेल प्लेट है वो हमेशा सेंटर से पेरीफेरी मतलब बीच से
साइड्स को ये पेरिफेरी की तरफ बनना स्टार्ट करती है, ना कि पेरिफेरी से टुवर्ड द सेंटर, मतलब सेंटर से बनना स्टार्ट हुई फिर ये ऊपर ऊपर जाके ऐसी पूरी बनी और उस वजह से दो सेल्स में वो डिवाइड हो गया। ओके, सो द क्रोमेटिड्स टर्न इनटू क्रोमेटिन थ्रेड्स। तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमेशा क्या हो जाते हैं, बाद में क्रोमेटिन फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस वर योर द वेरियस फेजेस ऑफ द माइटोसिस। माइटोसिस का लास्ट शो है साइटोकाइनेसिस, दैट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट, एट द एंड ऑफ टेलोफेज, जब टेलोफेज खत्म होता है, अ फरो अपीयर्स इन द सेल मेम्ब्रेन इन द मिडल विच डीपन्स एंड फाइनली स्प्लिट्स इन द साइटोप्लाज्म इंटू टू, दस प्रोड्यूसिंग टू न्यू सेल्स। मैंने आपको बताया था ये फरो डीपन अप होता जाएगा और इसी वजह से डॉटर सेल्स जो हैं वो बन जाएंगी। तो इसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ओके, साइटोकाइनेसिस कहेंगे क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है, न्यूक्लियस की डिवीजन तो हो चुकी है, दिस इज कैरियोकाइनेसिस, बट साइटोप्लाज्म की डिवीजन होना बाकी थी तो वो फरो की वजह से वो हो रही है, तो फिर वो दो डॉटर सेल्स में बन जाएंगे। अब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कैरियोकाइनेसिस व्हाट, बेसिकली डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, एंड साइटो मतलब डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। और ये हमेशा याद रखिए कि कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, मतलब कि सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगी उसी के बाद साइटोकाइनेसिस होगी। ओके, तो इसमें गलती मत करना कि पहले साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस लेके आए फिर कैरियोकाइनेसिस, फर्स्ट क्या आएगा, हमेशा कैरियोकाइनेसिस आएगा। जो पीमेट है, पीमेट स्टेजेस जो हैं वो हमेशा कैरियोकाइनेसिस की हैं और उसी के बाद साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस होगी, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और इसी की वजह से दो डॉटर सेल्स हमारे पास देखने को मिलेंगे। देखिए अब है माइटोसिस की सिग्निफिकेंस, कि माइटोसिस की क्या क्या सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट इज ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेम क्रोमोसोम नंबर। ये हाइलाइटेड वर्ड्स हैं तो आप इनको हेडिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज द ग्रोथ, ग्रोथ और इंक्रीज इन द बॉडी साइज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स इन द टिश्यू, कि माइटोसिस की वजह से क्या होती है, ग्रोथ होती है बॉडी के साइज में और उस वजह से न्यू सेल्स बनते हैं। रिपेयर, डैमेज्ड और वोंडेड टिश्यू जो होते हैं वो हमेशा रिपेयर होते हैं। ओके, नाउ रिप्लेसमेंट, के जो ओल्ड और डेड सेल्स हैं वो रिप्लेस होते हैं न्यू सेल्स से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन द इन विच द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा और द ई सेल डिवाइडिंग टू टू, कि माइटोसिस भी क्या है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो जैसे अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, वो दो में डिवाइड होता है। तो दिस इज व्हाट अ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेंटेन सेम क्रोमोसोम नंबर इन द डॉटर सेल, जैसे हमने पढ़ा था कि 2n से ही, अगर 2n पेरेंट का है तो डॉटर सेल्स में भी 2n ही आएगा। तो दिस इज सेम क्रोमोसोम नंबर आर मेंटेन्ड एट एवरी स्टेप। अगला आपका मेजर टॉपिक है मियोसिस। मैं आपको बुक से सेल डिवीजन की जो डिटेल है वो आपको बुक से समझा रही हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें। सो मियोसिस, माइटोसिस तो हमने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट इज मियोसिस। मियोसिस जैसे रिडक्शनल डिवीजन मैंने आपको बताया था, मियोसिस इज द काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस द सेक्स सेल्स और द गैमेट्स, ठीक है, जो सेक्स सेल्स या गैमेट्स बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं मियोसिस। इट टेक्स प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब ये जो प्रोसेस होती है मियोसिस, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो टेस्टिस है मेल के केस में और जो ओवरी है फीमेल के केस में, इनमें दिखाई देती है। टेस्टिस में जब मियोसिस होती है तो वो स्पर्म बनाती है और अगर ओवरी में होगी तो वो ओवा या एग बनाएगी। इन द फ्लावरिंग प्लांट इट टेक्स प्लेस इन द एंथर्स एंड द ओव्यूल्स टू प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स एंड फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए ये तो है ह्यूमंस के केस में, अब फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में क्या होता है, मियोसिस होती है एंथर्स और ओव्यूल्स में, एंथर्स में होगी तो वो पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे और ओव्यूल में होगी तो वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। अब देखिए द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ मियोसिस इज दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेक्स सेल इज हाफ। माइटोसिस में तो हमने पढ़ा था कि सेम है, बट मियोसिस के केस में अगर ये 2n है पेरेंट का तो ये हाफ हो जाएगा, तो इट विल प्रोड्यूस n n। ओके, नाउ
एग्जाम्पल दिया है कि अगर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें से सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है दैट विल रिप्रेजेंट द सेक्स, तो वो सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो जो सेक्स सेल्स होते हैं वो हैप्लोइड होते हैं नेचर में। दिस इज असेंशियल बिकॉज व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द डबल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिक्वायर्ड। ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए। इसमें क्या है कि जो हैप्लोइड होते हैं सेक्स सेल्स हैप्लोइड क्यों होते हैं, क्योंकि फ्यूजन में मेल और फीमेल दोनों चाहिए होते हैं, तो इस वजह से एक एन जो है वो मेल से आएगा, एक एन जो है वो फीमेल से आएगा। ठीक है, मेल और फीमेल के एन एन क्रोमोसोम कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, फिर से 2N बनाएंगे। तो 2N क्रोमोसोम जो बन जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो मतलब जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो फिर से मेंटेन हो जाएगा या रीएक्वायर्ड हो जाएगा हमारे जाइगोट में। द डिप्लॉयड नंबर एज अ रूल इज एक्सप्रेस्ड एज 2N एंड द हैप्लोइड नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज N। ओके, ये मैंने आपको बताया है। सी, दिस इज़ नॉट इन अ सिलेबस, बट आप बस इतना छोटा सा ओवरव्यू ले लीजिए। ये एक पेरेंट सेल है, ठीक है, 2N है, डिप्लॉयड है, ये ग्रो किया, ठीक है, इंटरफेस के बाद ये ग्रो किया, उसके बाद क्या हुआ, मियोसिस वन स्टार्ट हुआ, दैट इज़ द रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन स्टार्ट होने के बाद ये दो में डिवाइड हुआ, तो 2N से क्या बन गया, N और N। अगर ये माइटोसिस होता है तो 2N से क्या बनता, 2N बनता और 2N, बट क्योंकि ये मियोसिस है तो इसीलिए इसमें 2N से N और N बन गया। अब दिस इज मियोसिस वन। अब इसी के बाद मियोसिस टू स्टार्ट होंगे जो माइटोसिस की तरह होती है, इससे दो सेल्स बनेंगे और इससे भी दो सेल्स बनेंगे, तो दिस इज N N N N, तो मतलब चार डॉटर सेल्स बनेंगे। और माइटोसिस के केस में जो है वो दो सेल्स बनते थे। अब देखिए, जब माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस आएगा तो आप ये डायग्राम, मतलब इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट नॉर्मल जो मैंने आपको प्रीवियस दिखाया आप वैसे बना के आएंगे तो बहुत स्कोरिंग होगा। हमने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ ली, नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस इज क्रोमोसोम नंबर इज हाफ। हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है इन गैमेट्स, सो दैट ऑन फर्टिलाइजेशन द नॉर्मल नंबर इज रिस्टोर, ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो तो जो एक्चुअल में डिप्लॉयड नंबर है हमारे सेल्स का वो रिस्टोर रहे। इट प्रोवाइड्स फॉर मिक्सिंग अप ऑफ जीन्स कैसे मिक्स होंगे, क्योंकि मेल से भी क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स आएंगे और फीमेल से भी आएंगे, तो जब फ्यूजन होगा तो ये दोनों जीन्स में क्या होगा, मिक्सिंग अप हो जाएगी जीन्स की। विच अकर्स इन टू वेज, द मैटर्नल एंड पेटर्नल क्रोमोसोम्स गेट मिक्सड अप ड्यूरिंग द फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन एज दे सेपरेट फ्रॉम द होमोलोगस पेयर। अब देखिए, जो मिक्सिंग अप होती है वो फर्स्ट रिडक्शनल फेज मतलब मियोसिस वन में होती है, क्योंकि उसी टाइम जो होमोलोगस पेयर्स हैं वो सेपरेट होते हैं। ओके, अब देखिए, मैटर्नल और पेटर्नल, मैटर्नल मतलब मॉम से आए हैं, ओके, मतलब मदर से आए हैं, पेटर्नल मतलब फादर से आए हैं, और यू कैन से दैट इट हैड कम फ्रॉम योर पापा, तो एम फॉर मॉम एंड पी फॉर पापा। सो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, पी फॉर पापा एंड एम फॉर मदर, दैट इज मॉम और वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। नाउ वाइल द मैटर्नल एंड पेटर्नल क्रोमोसोम आर सेपरेटिंग, जब मैटर्नल और पेटर्नल क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, द क्रोमेटिड मटीरियल वेरी ऑफन गेट एक्सचेंज, तो क्रोमेटिन मटीरियल जो है बहुत ऑफन चेंज होता है, एक्सचेंज होता है बिटवीन द टू मेम्बर्स ऑफ द होमोलोगस पेयर। अब देखिए, दिस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। हमने पढ़ा है कि क्रॉसिंग ओवर में चियास्मेटा होता है, चियास्मा होता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि व्हाट इज़ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जो है, ये देखिए, ये है एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ये मैटर्नल साइड से आया है और ये पेटर्नल साइड से आया है। डिस्टिंग्विशेस के लिए आपको डिफरेंट कलर्स में बताए हैं। अब देखिए, जब वो पास पास आएंगे तो क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब इसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ये जो है ये मैटर्नल के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, और ये पेटर्नल के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, बट ये और ये, दीज आर द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ओके, ये और ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। जब क्रॉसिंग ओवर हुई तो चियास्मा फॉर्मेशन हुआ। चियास्मा मतलब ऐसा पॉइंट
ऐसा पॉइंट जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, तो ये है चियाज्मा। तो इससे क्या हुआ, जो इसके जीन्स थे इस पार्ट में वो इधर चले गए और इस पर जो जीन्स थे वो इधर चले गए। एज यू कैन सी ये वाला पार्ट पिंकिश इधर आ गया और येलो वाला पार्ट इधर चला गया। सो क्रॉसिंग ओवर होती है विच रिजल्ट्स इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। नाउ चियाज्मा इज द एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। सो ये चियाज्मा फॉर्मेशन हुई बिटवीन द टू होमोलोगस पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उसी के बाद ये ऐसे करके आया एज यू कैन सी। सो अगर आपको क्रॉसिंग ओवर भले ही आपको दो नंबर में आता है तो आप ये डायग्राम ज़रूर बना के आइए, क्योंकि ICSE बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी ऐसा होता है कि आप उसमें मतलब जस्ट फील इट कि वो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है और उस तरह से आप अटेम्प्ट कीजिए। विद दिस योर चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल दैट इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर बुक इज कंप्लीटेड। इफ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइज, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी इसका जल्दी से जल्दी फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।